मैथ्स टीचर इन प्राइवेट बस। हाँ भाई टिकट बोलो, टिकट 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 टिकट। हाँ भाई टिकट, कहाँ जाना है? संभल जाना है, 200 रुपए दे दो। A few moments later. दिल्ली से संभल के भी 200 रुपए ले रहे हैं। 45 सीटर ये गाड़ी है और इसने 5 लोग आगे भी तो बिठा रखे हैं, तो 200 रुपए सवारी के हिसाब से 50 लोगों का हो गया 10,000 रुपए। अब दिल्ली से संभल जो है लगभग 170 किलोमीटर दूर है, और अगर बस ने 4 का भी एवरेज दिया तो इस हिसाब से 170 डिवाइडेड बाय 4 आ गया आपका 42.5। चलो 45 लीटर मान लो, और डीजल अभी 90 रुपए में चल रहा है, तो 45 × 90 हो जाएगा ये आपका 4,050 रुपए। इसका मतलब 4,050 रुपए इसके डीजल में लग गए, तो 10,000 रुपए में से अगर मैं 4,050 माइनस कर दूं तो 5,950 रुपए इसके बचते हैं। अब 1,000 रुपए का टोल भी मान लो चलो, तो 4,950 रुपए इसके बचते हैं। चलो राउंड ऑफ करके इसको 4,900 ही मान लो, तो एक चक्कर में इसने 4,900 रुपए कमा लिए। तो आने जाने के होगा इसके, इसका डबल कर दो 4,900 का, तो 9,800 रुपए इनकी सीधी कमाई हो गई। चलो 800 रुपए मिसलेनियस एक्सपेंसेस के भी हटा दो, तो 9,000 रुपए तो बच गए ना इनके आने जाने में। 3 बंदे ये काम कर रहे हैं, एक बस ड्राइवर है, एक कंडक्टर है और एक हेल्पर है, तो अगर ये बराबर बराबर भी बांटते हैं तो 3,000 रुपए पर हेड इनके पास आ जाएगा एक दिन की कमाई। अब अगर मैं इनकी महीने की कमाई जोड़ूं तो 3,000 × 30 हो जाएगा 90,000 रुपए। ओ भाई साहब, ये तो बड़ा तगड़ा कमा रहा है यार।